नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर भी एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अनमोल बिश्नोई की मुश्किलें भी बढ़नी लाजमी है। अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया है और जैसे ही एनआईए ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इस बात का ऐलान किया कि अनमोल बिश्नोई को पकड़कर लाने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा, वैसे ही हर किसी ने कहना शुरू कर दिया कि अब अमित शाह इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले चुके हैं। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जांच एजेंसियां इस कड़ी में जुट गई हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे गैंग को किस तरीके से खत्म किया जाए, वो गैंग जिस तरीके से ऑपरेट करता है उसको किस तरीके से रोका जाए। और इसी कड़ी में अनमोल बिश्नोई वो पहला नाम है जो लॉरेंस के गैंग के सदस्यों के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है और अगर उसकी कमर तोड़ी जाएगी तो निश्चित तौर पर इस पूरे गैंग को बड़ा झटका लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर तो यही आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने अनमोल के खिलाफ 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। अब अनमोल का नाम बीच में कहां से आ गया ये आप समझ लीजिए। दरअसल अनमोल कोई बहुत सीधा साधा लड़का नहीं है बल्कि उसके खिलाफ भी कई मामले चल रहे हैं। आपको बताते चले, जांच में ये सामने आया था कि अनमोल के संपर्क में बाबा सिद्दीकी के हत्यारे डायरेक्टली थे और बाकायदा इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उन्होंने आपस में बातचीत भी की थी। तभी से अनमोल बिश्नोई को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इन सबसे इतर जब उसकी पहचान की गई तो देखिए, अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई तो मिला ही, साथ ही साथ उसका हाथ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी मिला। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2023 में जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी लेकिन फर्जी पासपोर्ट लेकर वो भारत से भाग गया था। तो अनमोल बिश्नोई कोई छोटा मोटा कोई आम लड़का नहीं है बल्कि उसने भी जांच एजेंसियों की नाक में दम कर रखा था और अब उसको पकड़ने के लिए खुद एनआईए ने इस पूरे जाल को बिछा दिया है, जिसके तौर पर कहा जा रहा है कि अब गृह मंत्रालय खुद एक्शन के मोड में आ गया है। आपको यह भी बताते चले कि 14 अप्रैल 2024 को सुपरस्टार सलमान के घर पर जिस तरीके से गोलीबारी हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता पाई गई थी। अनमोल बिश्नोई पर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 18 आपराधिक मामले दर्ज है। वो जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर उसे रिहा किया गया था और उसके बाद अब जब उसका नाम बाबा सिद्दीकी वाले मामले में आया है तो भी एनआईए जांच कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई हो, उसका भाई अनमोल बिश्नोई हो या फिर इस गैंग के सदस्य, वो चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे हरियाणा में बैठे हो, चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे हो, फिलहाल एक्शन के मोड में है केंद्र सरकार और शायद इसीलिए इस तरीके के एक्शन की बात सामने आई है। आपको बताते चले, लॉरेंस बिश्नोई पर्टिकुलरली सलमान खान को धमकी देने के मामले में चर्चा में आया था। उसका गैंग लगातार एक्टिवली काम कर रहा है लेकिन फिर सिद्धू मूसेवाला का जिस तरीके से मर्डर हुआ और खुलकर उसमें गोल्डी बराड के साथ लॉरेंस गैंग ने भी इसकी जिम्मेदारी ली, उसके बाद एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। उसके अलावा आपने देखा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गो ने खुले तौर पर जिम्मेदारी ली और अब तो उनके हवाले से धमकियां भी दी जा रही हैं और खबरें भी आ रही हैं। लॉरेंस गैंग के सदस्य एक्चुअल में कितने लोगों को धमकी दे रही है ये किसी को नहीं पता लेकिन उनके नाम पर लगातार धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक को धमकियां मिल रही हैं और सिर्फ यही नहीं, अभी तो कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। फिर लोगों ने इसको मुनव्वर फारूकी से जोड़कर देख लिया था। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लोग कहने लगे हैं कि ये अगला दाऊद हो सकता है, दाऊद की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दाऊद से भी दो कदम आगे बढ़ सकता है। अगला डॉन क्या मुंबई का लॉरेंस बिश्नोई होगा, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी राज में लॉरेंस जैसा कोई गैंगस्टर पनप कैसे रहा है। गुजरात के साबरमती जेल में वो बंद है लेकिन वहां से अपने नेक्सस को एक्टिव कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सबसे इतर बड़ी खबर जो इस वक्त की आ रही है वो यही कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाते हुए 10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है, यानी कि 10 लाख का इनामी हो गया है अनमोल बिश्नोई और इसी के साथ जांच एजेंसी ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में लॉरेंस हो या उसका भाई हो, मुश्किलें बढ़नी तय हैं, लेकिन अनमोल बिश्नोई को कब तक गिरफ्तार किया जाता है ये देखना दिलचस्प रहेगा।
जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।